नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जबलपुर में तीन युवकों ने अपने फायदे के लिए 14 साल के लड़के को मोहरा बनाकर उसके अपने ही मामा के घर में चोरी करवा दी। आरोपियों ने उसे लग्जूरियस लाइफ के सपने दिखाकर फंसाया, उसे महंगे होटलों में खाना खिलाया, गहने बिकने पर आईफोन गिफ्ट करने का भी दावा किया था। बता दें कि जब लड़के को लगा कि वह गलत कर रहा है और आगे से चोरी नहीं करने का कहा, तो आरोपी उसे मामा की हत्या की धमकी देने लगे। आरोपी उसे धरा धमका कर लालच देकर चोरी करवाते रहे। बता दें कि 2 महीने में किशोर ने 6 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर चुरा लिए। लड़के के मामा के परिवार को जब इस बात का एहसास हुआ कि गहने कम हो गए हैं, उन्होंने पुलिस में इसकी जानकारी दी। पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। सारे गहने भी बरामद कर लिए गए हैं। मामला जबलपुर के बरेला का है। यहाँ रहने वाले एक बर्तन कारोबारी को अपनी अंगूठी नहीं दिखी। उन्होंने पत्नी और माँ से पूछा, दोनों ने यही कहा कि घर में कोई बाहरी नहीं आता, खुला घर छोड़कर कभी गए ही नहीं, तो चोरी कैसे हो जाएगी। कारोबारी और उनके परिवार ने गहनों की गिनती की तो वे दंग रह गए। अंगूठी ही नहीं, मंगलसूत्र, हीरे की लौंग, लॉकेट और दूसरे जेवर भी गायब थे। उन्होंने अपने घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे तो कोई संदेह ही नजर नहीं आया। 13 जून को उन्होंने बरेला थाने में शिकायत की। पुलिस जब जांच के लिए कारोबारी के घर पहुंची तो कोई सुराग नहीं मिला। 14 जून को एएसपी प्रदीप शेंडे बरेला पहुंचे। उन्होंने भी घर में जांच की। एएसपी पूछताछ कर रहे थे तभी उनकी नजर कारोबारी के भांजे पर गई। उन्हें उसकी हरकत संदिग्ध लगी। उन्होंने बरेला थाना प्रभारी को निगाह रखने के निर्देश दिए। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि भांजा बरगी में रहता है, मामा के घर आता जाता रहता है और 2 से 3 दिन ठहरता भी है। जिस दिन पुलिस जांच करने पहुंची उसी दिन लड़का बिना किसी को कुछ बताए अपने घर बरगी चला गया। बाद में पुलिस बरगी पहुंची और उससे पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया।